4 बजे की घटना है जो वहाँ गाड़ी से लोग मारे गए, गाड़ी टक्कर से। और उसके बाद मतलब मेरे बेटे पता नहीं कहाँ मतलब इन लोगों ने रखा पुलिस वालों ने, और फिर 6:30 बजे इसको लाद दिया 100 वाहन पे और डायरेक्ट इसको भेज दिया मेरे लखीमपुर मोर्चरी में। हाँ लापरवाही तो हुई, मतलब ये 4-6-8 घंटे मतलब जो है इसमें लग गए, 2-2.5 घंटे यहाँ डाल रखा और 2-1.5 घंटा ले जाने में यहाँ लग गया। फिर उसके बाद तुमने हो सकता कहीं थोड़ा बहुत उसके होता मतलब थोड़ा बहुत जान तुमने वहाँ डाल दिया जहाँ 3-4 लाशें पड़ी थी वहीं तुमने उसको भी डाल दिया। अगर बहुत पहले मुझे सूचना हुई होती तो हो सकता मैं मतलब कुछ उसका उपचार कहीं करा लेता। पुलिस वाला चाहता तो ये मतलब दंगा फसाद नहीं होता था। 10 पुलिस वाले आगे खड़े होते तो क्या उसके ऊपर गाड़ी निकाल के उसके बाद पब्लिक के ऊपर वो चढ़ा देते हैं? नहीं चढ़ा पाते, वो तो साइड में हो गए, पब्लिकों के ऊपर चढ़ाते हुए निकाल लेंगे। द वायर की टीम इस वक्त टिकुनिया उत्तर प्रदेश में मौजूद है और मेरे पीछे आप वही जगह देख सकते हैं जहां पर किसानों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। दरअसल यहां पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रैली होने वाली थी जिसका किसान विरोध कर रहे थे और यहां पर वो प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ये रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया था। उनका हेलीपैड जो आना था और उनका जो हेलीपैड है जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लैंड करना था उस जगह को भी किसानों ने ब्लॉक कर रखा था और ये सड़क पूरी ब्लॉक कर रखी थी और वो काले झंडे यहाँ पर दिखा रहे थे। उसके बाद गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र यहाँ से गुजरते हैं और जो किसानों का दावा है, उनका जो आरोप है, उनका ये कहना है कि जो गाड़ी की स्पीड थी वो 100 से भी ज़्यादा थी और जितने भी किसान यहाँ पर सड़क को रोक कर खड़े हुए थे उन पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद किसानों को भी गुस्सा आया। और ये जो घटना आप देख सकते हैं, एक गाड़ी इस तरफ है, ये फॉर्च्यूनर है, एक गाड़ी उस तरफ है, सड़क के उस पार भी एक गाड़ी है, क्योंकि वो तो फिर यहाँ से जो आशीष मिश्र हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। इस रास्ते से कहा गया है किसानों के जो कहना है कि इस रास्ते से आशीष मिश्र भागते हैं और किसान उनके पीछे जब उनको जाते हैं रोकने के लिए, क्योंकि किसानों का कहना है कि उन्होंने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, जब उनको वो रोकने जाते हैं तो वो अपनी जेब से पिस्टल भी निकालते हैं, ऐसा किसानों का आरोप है। और फिर उनको पुलिस वहाँ से बचाती है, पुलिस वहाँ पर ट्रैक्टर के ज़रिए बाकी किसानों को रोकती है और वो उस रास्ते से भाग जाते हैं। इस वक्त द वायर की टीम मौजूद है लखीमपुर खीरी के निघासन में। निघासन तिकुनिया से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तिकुनिया वही जगह है जहां पर अभी हाल में ही किसानों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं यानी जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र, उनके लोगों के बीच में और किसानों के बीच में झड़प हुई जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इन 9 लोगों में एक पत्रकार का नाम भी शामिल है, पत्रकार रमन कश्यप की भी इसी झड़प के बीच मौत हो गई। आज हम उनके घर के पास आए हुए हैं, उनके घर में आए हुए हैं और उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह पूरा घटनाक्रम क्या रहा और अभी फ़िलहाल इस मामले में क्या हो रहा है और प्रशासन का किस तरीके का रवैया सामने आ रहा है। ये मेरा बेटा यहाँ से 12 बजे गया था मेरे सामने और ये मुझे मालूम था कि मतलब वहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा था, केशव प्रसाद मौर्य गाना था और इधर से ये किसान यूनियन वाले भी, इनका भी उसने जाना था और पत्रकार लोगों का तो काम यही है कि मतलब उनको तो वहाँ जाना पड़ता है, तो उसी में कवरेज करने के लिए मेरा बेटा भी गया था। इस साधना न्यूज चैनल से मतलब जो है पत्रकारिता करता था, तो फिर और भी इसके साथ में भी उनके फ्रेंड थे वो भी पत्रकार हैं, वो लेकर गए थे अपनी गाड़ी से और फिर 15-20 और लोग गए थे, उसमें से मतलब जो है किसी ने मुझे खबर नहीं दी कि मतलब जो है रमन लापता या गायब है। और ये 4 बजे मतलब जो है मेरा बेटा एक नैनीताल गया था, वो सितारगंज में था, उसके पास फ़ोन गया कि मतलब जो है रमन का मतलब जो है सुझाव बता रहा, फिर मेरे पास मेरे बेटे ने फ़ोन किया तो हम भी पता लगाए, फिर वो सुझाव जितने थे उसके मिलने ने सब फ़ोन लगाते रहे, वो सुझाव बताता रहा। 4:45-4 बजे की घटना है जो वहाँ गाड़ी से लोग मारे गए, गाड़ी टक्कर से। और उसके बाद मतलब मेरे बेटे पता नहीं कहाँ मतलब इन लोगों ने रखा पुलिस वालों ने, और फिर 6:30 बजे इसको लाद दिया 100 वाहन पे और डायरेक्ट इसको भेज दिया मेरे लखीमपुर मोर्चरी में। 4 लाशें वहाँ 4 गई थी और 2-2 करके 2 बार में 3 का PM हो गया था, 2:30 बजे तक। 3 बजे सुबह मुझे फ़ोन आया, इसी तिकुनिया कोतवाल ने बताया कि मतलब मेरे ये मिलने वाले भी अभी आए थे, मेरे
बेटे के दोस्त थे, उनके पास फ़ोन आया कि मतलब एक बाड़ी वहाँ पर शनाख्त नहीं हो पाई है, देख लो जाके वहाँ लखीमपुर में। तो ना उन्होंने ये तिकुनिया में दिखाया, ना निघासन CHCM दिखाया, ना लखीमपुर CHCM दिखाया, सीधे मतलब उसको वहाँ भेज दिया। चोटें उसके मतलब गाड़ी के टक्कर की है, बाकी रोड पे घसीटने की चोटें हैं सब, हाथ में, पैरों में, पैंट फटी, सड़क पे घसीटने की चोटें हैं। तो हमारा विचार ये था कि मतलब अगर वो कहीं ना कहीं भिजवा देते तो हो सकता था मेरा बेटा बच जाता। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब जो है तिकुनिया कोतवाल की तो बहुत मतलब लापरवाही है। पत्रकारों के लिए तो कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि बेचारे अपनी जान ही जोखिम में डाल के कवरेज करते हैं और इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये घर से निकले तो ये ना समझे कि वापस ही आ जाएंगे घर पर, तो इनके लिए तो एक सुरक्षा होनी चाहिए। मान लिया मेरा भाई चला गया है, लेकिन और भी मेरे भाई पत्रकार हैं, ठीक है, तो उनकी तो भी सुरक्षा जरूरी है। तो पत्रकारों के लिए एक ऐसा नियम या कानून कुछ बनना चाहिए कि उनको सुरक्षा मिले। पुलिस वाला चाहता तो ये मतलब दंगा फसाद नहीं हो पाता। 10 पुलिस वाले आगे खड़े होते तो क्या उसके ऊपर गाड़ी निकाल के उसके बाद पब्लिक के ऊपर वो चढ़ा देते, नहीं चढ़ा पाते, वो तो साइड में हो गए, पब्लिकों के ऊपर चढ़ाते हुए निकाल लेंगे। तो उसमें कई किसान गाड़ी की चपेट में आए और मेरा भी बेटा उसी चपेट में आ गया। बाद में फिर गाड़ी उड़ी जब पकड़ ली गई, फंस गई है, फिर उसमें किसने क्या किया, उसमें शायद एक ड्राइवर वाले को मतलब मारा हुआ है, ये भी सुनने आया मुझे, ड्राइवर को मारा। रमन की क्या उम्र? 35 साल थी। परिवार में कौन कौन? एक बेटा है 2.5 साल का, एक बेटी है 10 साल की। ये तो हम लोग कल जब वहाँ से बाटी लेकर आए थे पोस्टमार्टम करा के, तो निघासन बस अड्डे पे मतलब हम रुके, गाड़ी रोक दी वहीं, सब लोग इकट्ठा हो गए और भी जितने यार दोस्त थे मिलने वाले थे सभी लोग आके यहाँ चौराहे पे बैठ गए। तो फिर बहुत 3-4 घंटे करीब यहाँ हम लोग चौराहे पे पड़े रहे और फिर SDM साहब के आश्वासन से मतलब उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब जो भी ये सहायता ये जो किसान लोग हैं इनको दी जाएगी वो भी आपके बेटे को भी मिलेगी। मैंने कहा देखिए मैं तो किसान हूँ मगर मेरा बेटा तो पत्रकार था, तो उसको पत्रकारिता के हिस्से से उसकी सहायता मिलनी चाहिए और उसकी मिसेज को एक नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। फिर तब तक थोड़ी फिर मामला सह मतलब रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये हुआ कि नहीं वो शायद कुछ क्लियर किया गया है कि 45,000 रुपया और एक एक सरकारी नौकरी दी जाएगी मृतकों के परिवार को और जो घायल हैं उनको 10 लाख दिए जाएंगे। तो फिर बाद में हमने सोचा ठीक है, अब ये शाम भी हो चुकी थी तो हमने कहा ये अंतिम संस्कार भी टाइम से हो जाए। तो फिर उसी बात पर SDM साहब की बात की सहमत से मतलब हम लोगों ने अंतिम संस्कार करा दिया। उसके ऊपर पहले कि अगर मेरे बेटे को जानबूझ कर मारा गया होता तो मतलब कि ये पत्रकार है इसको मारना है तो मतलब उसके उसके पहले उसके ऊपर चढ़ाते। एक पत्रकार इस साइड में था, इधर मेरा बेटा था, तो एक गाड़ी पहले वाली गाड़ी दूसरे मारी, दूसरी वाली गाड़ी इन लोगों को मारी, 4-5 लोग जो जिस वो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करते मतलब कैमरा या फोन से कैमरा तो क्या वो कुछ बरामद हुआ, वो कुछ आपको सौंपा गया है? ना वो जो उनके पास वो मोबाइल था मतलब मोबाइल मुझे मिल गया कल, और जो उनके पास वो माइकें वगैरह थी वो जो साथ में उनके मित्र गए थे उनकी माइकें थी इनके पास थी वो नहीं मिली। नहीं तो कीचड़ में पहुँच गए मतलब पानी से कपड़े सब भीगे थे उनके। ये जो विजुअल है ये उनके फ़ोन में कैद है या आपको बाद में कहीं से मिला? बाद में उसके बाद में जब ये हो चुका है उसके बाद में ये गाड़ी आई है तब तक के साथ मोबाइल अपना रखे हों या नहीं रखे हों, और उसमें जब फ़ोटो मिला है तब उसमें उनकी पॉकेट निकली हुई है, जो पर्स वर्स गायब हुआ है, ID जो सब निकली है, उनकी जेब सब बाहर निकली हुई है। निकाल लिया स्केच लिया, पर्स में ID कही थी, आधार थे सबके। उनका फर्ज था जब मान लो आपको चोट लग गई है आप वहीं पे थे, कुछ देर बाद आप ये सब जान भी गए कि हाँ वो तो थे ही साथ में, लेकिन उनको ये बताना चाहिए था कि आपका जैसे अगर हम वो स्थिति में नहीं थे उनको लाने के लिए तो उनको एक कॉल कर सकते थे हमारे पास या पापा के। तो हम लोग नैनीताल में थे, वहाँ पे ये हम लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ आया
तब मैंने कहा कि भैया ज़रूर गए होंगे उनके पे, जब कॉल किया है तो दोनों नंबर नहीं लगे। फिर पापा के पास किया कि पापा भैया का नंबर नहीं लग रहा है, ऐसी सी बात है। तब पापा ने इधर उधर चालू किया, लेकिन कोई पत्रकार यहाँ पे जो है भैया के जो मतलब और जो यहाँ है निघासन के, किसी ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की कि वहाँ है कि नहीं है। बाकी एक दोनों ने कहा कि हमने देखा ही नहीं, बाकी वो वीडियो में देख रहे हैं कि साथ में है। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ के पत्रकार हैं। हमने तो यही कहा भाई, जो जिसकी गाड़ी हो या गाड़ी चलाने वाला हो उनके भी खिलाफ FIR होनी चाहिए, जांच करके, मतलब जो भी उसका दोषी हो। सरकार की तरफ से कोई दबाव है आप लोग? नहीं, दबाव हमारे पर कोई नहीं। दबाव हमसे, सरकार दबाव कोई करेगा, दबाव हमसे क्या मतलब है? दबाव कोई करेगा, दबाव सरकार की तरफ से, तो मतलब पहली बात हमारे पर कोई दबाव किसी ने भी नहीं कहा। सीधी सी बात, जब मैंने देख, जैसे अभी एक पत्रकार साहब आए, पता नहीं कहाँ शायद वो उससे थे, जिसमें कौन है अंजना ओम कश्यप, आज तक है क्या, वो आते आते बोले ऐसा है वो PM रिपोर्ट में तो वो लाठी डंडों के सब निशान आए हैं। तो हमने कहा यार तुमने बाटी देखी है बेटे की, मेरी बाटी देखी है? PM रिपोर्ट मुझे तो मिली नहीं, तुम्हारे पास PM रिपोर्ट पहले से आ गए, फिर मुझसे तुम क्या पूछने आए हो? जब PM रिपोर्ट में लाठी डंडे के निशान है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बात खत्म, जाओ अपना काम करो जाके। मेरा दूसरा छोटा बेटा था, वो भी कहा भैया आप ऐसा करो, मुझे माफ़ करो, एक गिलास पानी आप पी लो और आप अपने जाओ जहाँ जाना होगा। अगर पहले, बहुत पहले मुझे सूचना हुई होती तो हो सकता मैं मतलब कुछ उसका उपचार कहीं करा लेता। मुझे सूचना मिली मतलब 4:45 का केस है, उसके बाद 6:30-7 बाडी यहाँ से ला दी गई। मैं निघासन कोतवाली में था, गुमसुदी की रिपोर्ट है, मेरा बेटा लापता है और वो यहीं से होकर निकल गया, मतलब लेकर मतलब जो है सोहान वाला सीधे पोस्टल हाउस पहुंचा दिया। तो सकता है मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लापरवाही की वजह से? हाँ, लापरवाही तो हुई, मतलब ये 4-6-8 घंटे मतलब जो है इसमें लग गए, 2-2.5 घंटे यहाँ डाल रखा और 2-1.5 घंटा ले जाने में यहाँ लग गया। फिर उसके बाद तुमने हो सकता कहीं थोड़ा बहुत उसके होता मतलब थोड़ा बहुत जान तुमने वहाँ डाल दिया, जहाँ 3-4 लाशें पड़ी थी वहीं तुमने उसको भी डाल दिया। मतलब पुलिस वालों ने जो कोतवाल ने जिन्होंने भिजवा दी यहाँ से बाडी उसकी, तो मतलब उसने स्वयं वो डॉक्टर बनकर मतलब जो है उसको अमृत घोषित करके वहाँ भिजवा दिया। जो कर रहे थे, बहुत लोग जो कर रहे थे, तो उसमें से पैसे लेने वाले मतलब ये नहीं पत्रकार थे कि हम ज़्यादा दे दें तो हमारी बात करें, आप ज़्यादा दे दें तो आपकी ज़्यादा बात करें। ये सबसे आगे घुसते थे, ये चक्कर इनका था, आगे घुसते थे, सही बोलते थे और आपकी और किसी की बात अगर ये झूठ पकड़ लेते थे तो मतलब जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, ये झूठ बोलना भी नहीं बर्दाश्त करते थे कि कोई भी कह दे आदमी ये खबर निकाल दो झूठी है, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, कोई दबाव डाले जाए कुछ करे। अब 35 साल की उम्र थी, तगड़ा तो था ही, थोड़ा जैसे मान लिया कोई दुबला पतला है, बुढ़ा है, बुजुर्ग है, तो वो कम हिम्मत के हिसाब से, जैसे हिसाब उम्र होती है उस हिसाब से उसकी हिम्मत होती है। सर वहाँ पे इतने पत्रकार थे, कोई ना कोई तो हमको खबर कर ही देता, लेकिन इसमें मतलब किसी ने नहीं किया, जान बचा के भाग गए, खबर तो हमको होती, सब भाग चुके थे। अब चलो भाग गए थे, फिर भी हम लोगों के पास तो एक कॉल कर सकते थे। ये 4-5 बजे जब हम लोगों को पता चलता है तब हम पिताजी को बताते हैं, तब यहाँ से सब जारी होता है कि इधर उधर पूछें। हर एक यहाँ पे अस्पताल में ही हम लोग अपने खुद से देखा, लखीमपुर में भी बताया गया कुछ गई हैं, मतलब जो है बॉडी गई या कुछ मरीज वहाँ पे जो चोटिल थे उनको ले जाया गया है। तो वहाँ भी हम अपने जानने वालों को मतलब अंदर जाके कहा कि सबको देख लो, तो वहाँ भी नहीं थे हमारे। फिर 3 बजे रात को कॉल आती है पापा के पास, फिर पापा जाते हैं वहाँ पे, तब भैया मिलते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।